एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आज के इस वीडियो में ना मैं कोई रिव्यू करने वाली हूँ, ना किसी प्रोडक्ट के बारे में ये कहने वाली हूँ कि आप उसे यूज कर लो, बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। नहीं, आज मैं एक ऐसी चीज को बताने वाली हूँ, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ जो बहुत सारे लोगों की डाउट्स क्लियर हो जाएंगी कि क्या उसे आपको अपने फेस पे यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल देखकर पता चल गया होगा, तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो वीडियो है ये इस क्रीम के बारे में होने वाला है। अगर इस टाइप की क्रीम बहुत सारे जो मेडिकल स्टोर है वहां अवेलेबल है, मतलब विटामिन जीएम है, और आई होप मैं सही बोल रही हूँ, सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, वेट नो वेट है, इस टाइप की क्रीम के ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगी कि क्या वो सब भी यूजफुल है या बिल्कुल यूजलेस है। फिलहाल तो मैं इस क्रीम के बारे में बात कर लेती हूँ। ये स्किन शाइन की क्रीम, नाम से ही बता रहा है कि आपकी स्किन को कितना ज्यादा शाइन कर देंगी। लेकिन फर्स्टली आप ये कह सकते हो ये क्रीम आपको इजिली 50 से 60 रुपए में या उससे भी कम में मिल सकता है, मतलब अंडर 100 रुपीज में आपको आराम से मिल जाएंगी। इस क्रीम में अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि ये क्रीम आपको गोरा कर देगा तो आपकी बहुत बड़ी मिथ है। और पता है ये क्या करता है, आप जैसे ही इसे यूज करोगे ना आपके फेस पे बहुत अच्छा असर करेगा, आपको फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके फेस पे ये इफेक्टिव है और बहुत ज्यादा आपके फेस को बहुत ग्लोइंग कर रहा है, बहुत ज्यादा फेस पे कहते हैं ना फेस फेयर हो रहा है, बहुत ज्यादा स्किन टोन जो है वो लाइट हो रही है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे जैसे आप इसको यूज करना बंद करते हो वैसे वैसे आपके फेस को फुल्ली डिस्ट्रॉय कर देता है। आपके फेस पे यहाँ पे इस साइड पे और इस साइड पे ब्लैक 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 होना शुरू हो जाएगा। और काफी लोग से तो जिससे मैंने पर्सनली बात की उनके तो फेस पे पिंपल्स भी निकल आए हैं। मतलब आप इसे जब तक यूज कर रहे हो ये तब तक ही इफेक्टिव है, उसके बाद आप जब इसे यूज करना बंद कर दोगे तो ये आपके फेस को जितना पहले था उससे 1000 गुना ज्यादा ये फुल्ली डिस्ट्रॉय कर देगा। तो फर्स्टली आपको अगर ऐसा लगता है कि ये क्रीम आपको आपके फेस को अच्छा कर देगा और 50 से 60 रुपए की क्रीम, तो ये आपकी मिथ है। इसलिए क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों के फेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर ये सिर्फ 50 से 60 रुपए वाली क्रीम ही आपके फेस की को फेयरनेस कर देती है और बहुत ज्यादा ग्लोइंग कर देती है तो लोग बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास नहीं जाते और बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते उनके फेस पे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये इस टाइप की क्रीम्स कुछ नहीं करती हैं, आपके फेस को खराब कर देती हैं। तो प्लीज गाइस, कुछ पैसे बचाने के लिए इस टाइप की फेस क्रीम को अपने फेस पे यूज मत करो, क्योंकि ये फेस को पूरी तरीके से खराब कर देता है और इसकी स्मेल भी बहुत अजीब सी है। सो मैं इस टाइप की क्रीम को आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी आपके फेस के लिए। क्या यार, कुछ पैसे बचाने के लिए आप अपने फेस को सोचोगे कि सुधार लो और उसमें बहुत अच्छा ग्लो लेकर आ जाओ, लेकिन इस टाइप की क्रीम आपके फेस को जब पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा तो क्या फायदा होगा इस टाइप, कुछ पैसे बचाने की वजह से पूरी तरीके से आप बर्बाद हो जाओगे। तो गाइज, ये मैं कोई रिव्यू नहीं दे रही थी, मैं डायरेक्ट अपनी चीजें बता रही थी। मैं कभी यूज तो मैंने नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोगों से जिससे मेरी कॉन्टेक्ट में है उनमें से काफी लोग इसे यूज किए थे, और इसके बारे में जब मैंने रिसर्च किया थोड़ा तो मुझे पता चला कि ये कुछ इस टाइप की क्रीम्स हैं। सो कौन है ऐसे लोग जो मेरी बातों से सहमत है और किसके फेस पे ये सच में इफेक्टिव हुआ है? सो गाइस, प्लीज मुझे कमेंट में बताना। और अगर इस टाइप की क्रीम्स का भी रिव्यू आपको चाहिए जो अदर क्रीम्स है मार्केट में, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना। और मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, उसका नेम लिंक वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।